मंच पे बैठे हुए अमरीश जी, निरंजन जी और मेरी बहुत पुरानी साथी, दो साथी यहाँ बैठी हैं, देविका और अनीता। हम लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और मैंने इन लोगों से, इन दोनों से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं छोटी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सारी बात जो अमरीश जी ने आपके सामने रखी वो तो सार, वो सब बातें ही वही बातें हैं कि जिसमें, जिस पे अगर हम गौर करें तो गहराई से जिस, जो इस वक्त मुद्दे उठे हैं उसकी तह तक हम पहुंच सकते हैं। और एक उन्होंने एक प्रैक्टिकल अमल भी बताया है कि इस पे अमल कैसे करें। मैं थोड़ा सा एक तो हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी शिक्षा के सचिव थे, कोठारी कमीशन बना था और हम इतने इनोसेंट थे कि हम समझते थे कि जो 6% है इससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो वो हमने देखा जमाना। उससे पहले मेरे पिताजी वार्धा कमेटी रिपोर्ट भी उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलके लिखी थी, तो उस पर भी, वो भी हमारे हमारे पलने बढ़ने का रोज उसकी चर्चा होती थी। तो ये सब बातें सिर्फ एक ख्याली बातें होके रह गई हैं। अच्छा, फिर 10 साल जब मैंने प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की मैं मेंबर रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया, अपने सारे मेंबर्स के साथ काम किया, तो हमेशा मुझे मेरी कॉलीग्स ने याद दिलाया कि बच्चे खुद अपनी जबान से नहीं कह सकते, तो बच्चों को ना भूलना कभी। और ख़ास तौर से वो बच्चे के जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में उसको कभी ना भूलना। तो बराबर ये कोशिश रही कि किस तरह से जीडीपी को बढ़ाया जाए। और अभी जो फिगर अमरीश जी ने बताया तो लगता है कि हम कहीं कहीं भी नहीं पहुंचे, जिस एक्सटेंट तक हमको करना चाहिए था वो अभी भी एक सपना है और एक ख्वाब है, क्योंकि अमरीश जी ने इसकी तरफ इशारा किया और मैं उसको बहुत दिल से उसको इंडोर्स करती हूँ कि हमारी सारी प्रायोरिटीज ही गलत हैं। एक मुसलमान होने के नाते से अगर मैं आपको लिस्ट इस वक्त गिनाना शुरू करूँ तो वो तो सब अमरीश जी ने बता ही दिया है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। मंदिर हैं, मस्जिद है, मूर्तियाँ हैं, ये सब ऐसी प्रायोरिटीज हैं कि जो असली मुद्दे हैं वो कहीं बहुत पीछे छूटे चले जा रहे हैं। और दूसरी एक और बात जो उन्होंने कही जिस पे मैं, मेरा बहुत, मेरे दिल को वो बात लगी कि जब मैं प्लानिंग कमीशन में थी तो ये कहते थे कि लेट्स हैव अ कूपन सिस्टम। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि एजुकेशन की कूपन, खाने की कूपन, और सब जगह लोग शॉपिंग करें, जहाँ चीज़ ठीक मिल जाए कूपन दो और तालीम हासिल करो। जो आपने इस वक्त कहा कि अपने सर से ये बोझ उतारना, शिक्षा का बोझ उतारना और प्राइवेट के में सौंप देना, उससे क्या होता है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि एलीट माँ बाप के बच्चे एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, और जो जितने मिडिल के बच्चे हैं वो सब उन एजुकेशनल शॉप्स में पढ़ते हैं, जो एक बिजनेस बना के, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ बहुत इतनी छोटी 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 शॉप्स खुल गई हैं और उनके इतने अजीब और गरीब नाम हैं। अगर नाम ही आप उन स्कूलों के पढ़ें तो आपको लगेगा कि यहाँ क्या शिक्षा होती है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। और ये वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ माँ बाप जो हार्डली अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को बस ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बस यही बात एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। तो जहाँ तक ये सवाल है, जो आप लोगों ने, तीन संस्थाओं ने मिलके इस वक्त एक बीड़ा उठाया है 2019 के मद्देनज़र, और जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टो में जो लिखते हैं फिर उसके बाद उस मैनिफेस्टो में जो लिखित है उस पर क्या अमल करते हैं नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि मैंने योजना, 12वीं योजना में ऐसी ऐसी मुश्किल चीज़ें डलवाई लड़ लड़ के, कि जो जैसे IDP का एक सवाल है था, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जो अंदर जो कम्युनल राइट्स होते हैं हर तरह के, तो अंदर के लोग जो डिस्प्लेस हो जाते हैं IDPs, वो लफ्ज़ मुश्किल से उसमें डलवाया, मगर
उसको फॉलो कौन करता। खैर वो तो योजना ही खत्म हो गई, 2017 तक तो चली ही नहीं वो योजना। तो यानी मतलब ये है कि अगर हम उस मैनिफेस्टो में भी डलवा भी दें तो फिर हाउ टू इंश्योर दैट कंसिस्टेंटली उस पर कोई अमल दरामद हो, क्योंकि अगर अमल दरामद नहीं होता उस पर तो फिर तो वो ऐसे है कि सिर्फ लिप सर्विस हो गई एजुकेशन के लिए। तो ये मगर ये तीन संस्थाओं में इस वक्त मुझे लगता है कि हजारों लोगों को इस मीटिंग में आना चाहिए था, क्योंकि सबके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, सब डावाडोल है इस वक्त। और कितने अफसोस की बात है कि इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द कोर फंडिंग एजुकेशन सेस से काम चलाया जा रहा है, जो यूपीए गवर्नमेंट ने बहरहाल 2% सेस लगा दिया तो उससे काम चलाया जा रहा है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र मैं ये समझती हूँ कि ये प्रेशर जो इस वक्त आप तीन संस्थाएं मिलके और आगे जो दो दो एक दिन में जो आपकी गोष्ठी होने वाली है और उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप ये सियासी पार्टियों को बुलाएंगे, राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे, और इसमें यकीनन इस वक्त लोग आ जाएंगे क्योंकि उनकी एक गरज अटकी हुई है, मगर आएंगे और फिर उनको उस पर राजी करना, उस पर वायदे सब कर लेंगे, फिर टू इंश्योर कि वो उनके मैनिफेस्टो में जाता है और आगे किस तरह से सारी प्रायोरिटीज़ को बदल के, सारी प्रायोरिटीज़ को ऑल्टर करके, जिस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन बने कि ये प्रायोरिटी हमें नहीं चाहिए, हमें ये प्रायोरिटी नहीं चाहिए कि हमारा जो मुल्क की जो दौलत है वो इन चीज़ों पे खर्च हो कि जिससे हमारे बच्चे डिप्राइव रह जाएं। ये सब काम हमारा है और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये तीन संस्थाओं की ये मुहिम अगर ये काम नहीं कर सकती तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि बच्चों का किसी किस्म का मुस्तकबिल, भविष्य किसी तरह का बन सके। तो मेरी तरफ से ये भी कामना है कि आपका ये मुहिम कामयाब हो, राजनीतिक पार्टियां आके इस पे कमिटमेंट करें और आगे जाके हम लोगों का खुद, और मैं भी तैयार हूँ, मेरे जितने लोग मेरे आसपास हैं सब इसके लिए तैयार हैं कि आपके साथ इसमें जुट के मिल के और इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल किसी तरह से संभल जाए, समझ जाए, और ये डेवलपमेंट की बात जो हम करते हैं वो असली मानों में जब ही डेवलपमेंट हो सके। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।